फ्रेंड्स, अगर हम बात करें महाराजा मूवी के 9 डेज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फ्रेंड्स इस मूवी ने अपने रिलीज के फर्स्ट डे में 7.6 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और साथ ही बात करें 2 डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने अपने रिलीज के दूसरे दिन 10.4 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और साथ ही बात करें 3 डे की, तो तीसरे दिन इस मूवी ने 12 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और साथ ही बात करें 4 डे की, तो 4 डे में इस मूवी ने 8 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और साथ ही बात करें 5 डे की, तो 5 डे में इस मूवी ने 5.4 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और साथ ही बात करें 6 डे की, तो 6 डे में इस मूवी ने 4.4 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और साथ ही बात करें 7 डे की, तो 7वें दिन इस मूवी ने 3.9 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और साथ ही बात करें 8वें दिन की, तो 8वें दिन इस मूवी ने 4.35 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और साथ ही बात करें 9 डे की, तो 9 डे में इस मूवी ने 6.6 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और फ्रेंड्स, साथ ही बात करें इस मूवी के टोटल 9 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ्रेंड्स इस मूवी ने अपने रिलीज के टोटल 9 दिनों में 73.6 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। और फ्रेंड्स, साथ ही बात करें इस मूवी के ओवरसीज कलेक्शन की, तो फ्रेंड्स इस मूवी ने 19.6 करोड़ रुपए का ओवरसीज कलेक्शन किया है। हालांकि फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये मूवी आगे और कितना कलेक्शन कर पाएगी और कितने दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर टिक पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।